हम यहाँ पे सादा हुआ वेट वेट मैम सामने वाइट करना मैम वेट हाँ मैम वेट 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 लेफ्ट 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 थैंक यू गाइस थैंक यू सो वेरी मच मैं ना प्लीज हम सक्सेस पार्टी बनाएंगे बाय आमीन अरे इंशाल्लाह तो बोलो आमीन बोलो कौन हो गाड़ी है भाई टू सीटर का आप अंदर आइए रोड पे अच्छी बात नहीं है अंदर आने दो सब में चलो बाइट करते सबसे पहले आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म आई रियली फील प्राउड एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दिस फिल्म ओके आप भी फिल्म में हैं कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में फिल्म बताइए it was a fantastic experience but then it was very thrilling you know aisa lagta hai ki you have gone back to the time machine and then you have traveled that era of rani lakshmibai jiske bare mein hum bachpan se padhte aa rahe hain sunte aa rahe hain aisa and you know like historical film mein sab ab itne zyada apne kirdaar mein hote hai aisa lagta hai ki you know you have just gone back to that era and it's very thrilling actually okay kirdaar ke bare mein agar baat kare kis tarah ke kirdaar mein nazar aayenge aap okay I play kashibai Kashibai was the emotional anchor for Rani Lakshmibai. She was a sister, she was a best friend, she was like that, you know. And Lakshmibai could trust her with her life. She was also a soldier in the army. Yeah. Okay, it's a costume drama. We have done a costume design. Yeah. So, costume ke baare mein janna chahenge. Kaisa raha aapka experience? नीता लूला जी के साथ हमेशा इट हैज़ बीन अ बेस्ट एक्सपीरियंस मेरी जो पहली फिल्म थी कांची उसमें भी नीता लूला जी ने कॉस्ट्यूम किया था तो मेरे साथ उनके संबंध बहुत सालों पुराने हैं जब से मैं बॉलीवुड में आई हूँ तब से है सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल यू नो लाइक सीइंग द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द सेट्स एंड आई सॉ हर आई वाज लाइक ओके सो इट्स सॉर्टेड इट्स लाइक दैट मेरी क्रिसमस टू यू थैंक यू मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एनी डिमांड्स फ्रॉम द सेंटर डिमांड फ्रॉम द सेंटर मतलब अच्छा सैंटा से डिमांड हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए फिलहाल तो मैं यही डिमांड करूँगी ओके जब बात करें हम क्रिसमस की तो कितनी मेमोरीज जो है वो बचपन की ताज़ा हो जाती है क्रिसमस की बात करें मेरा तो बचपन अभी गया ही नहीं अभी भी आई कीप सॉक्स आई एक्सपेक्ट सम गिफ्ट टू बी देयर एंड कोई ना कोई सॉक्स फिल भी कर देते हैं लाइक दैट
सॉरी मैडम, हिंदी यूनिवर्सिटी, बट योर एड कंटिन्यूज टू बी ऑन द टीवी एंड एवरीवेयर ना? या इट्स बीन 3 इयर्स नाउ आई एम द ब्रांड फेस फॉर वीको. या Any more endorsements which you have? I have lot of endorsements down south. यहाँ पे probably I'll sign few very soon. Zero देखी है आपने? अभी तक नहीं देखी actually. I was shooting, I wasn't here. Yeah. Any movie apart from yours which you are looking forward? फिलहाल तो मुझे सबसे पहले जाके ज़ीरो देखना है एंड देन मोर और लेस जो भी मूवी रिलीज होती है मैं ऑलमोस्ट सब देखती हूँ. इट्स लाइक दैट. सिम्बा आई विल सी इट या Once I get time. काफी सारी movies line में हैं. कौन सी movie के लिए सबसे ज़्यादा excited है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं मणिकर्णिका के लिए हूँ. दे कांट बी अनदर मूवी इस मौके पे. किसी और मूवी के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते. इट्स ओनली मणिकर्णिका. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सामने वन मोर. थैंक यू कमल सर. राइट हो जाएगा तो बोल देना भाई. कमल सर वन सेकंड होल्ड प्लीज. सर यहाँ पे होल्ड कितना. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. चलो रेडी करो. ओके सर, सबसे पहले तो आज क्रिसमस पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? I think this is one of the finest Christmas we all are celebrating as a team Manikarnika, because we have already completed the film and it is into post production right now, and we are ready to release the film next month, just one from now, that is 30 days from now. And we already have released the trailer, and which has been very very successful. I think it's been accepted quite well all across, and we are very happy with the response we are getting for the trailer as of now. It's extraordinary, about 95% positive response on the trailer. You know, it's more than 22 million views already and all that. So we are very happy with the performance of the trailer, and we are looking forward to release the film in 30 days. Okay, so it's a special Christmas bash today for yes, Manikarnika. Yes, so what all things are you expecting inside? Like, how much fun are you going to? See, a lot of hard work for the last 2 years. Basically, we started the film last year, somewhere around April, you know. And so we now complete the film, so all you can see the people are enjoying inside, because it's all hard work is basically something which has been paid off, and it's basically happiness all around, and this is a special Christmas for us, as I said. Okay, thank you.